हेलो गाइस, बात करने वाले हैं यहाँ पर राशि और जिगर के बारे में, गोपी और अहम के बारे में, साथ निभाना साथिया शो के बारे में। शो के सीज़न 3 को लेकर डिमांड चल रही है, क्योंकि सीज़न 1 सुपर ऊपर हिट गया था, सीज़न 2 आया लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। सीज़न 3 को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, यही वजह है कि डिमांड लगातार चल रही है। ऐसे में क्या सच में एक बार फिर से आपको कोकिला मोदी देखने को मिलेंगी अपने उसी बिंदास अंदाज में? क्या एक बार फिर से गोपी वैसे ही सीधी साधी गोपी का कैरेक्टर प्ले करती हुई नज़र आ पाएगी, या फिर यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेगी, एक नया रुख लेगी? हालांकि अगर बात हम करें जिस तरह से सीज़न 1 के अंदर ही कहानी काफ़ी आगे बढ़ा दी गई थी और मीरा और विद्या पर कहानी आगे की बेस्ड हो गई थी, तो इस तरीके से अगर कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो रिस्पॉन्स ना मिल पाए। गोपी और अहम की लव स्टोरी देखने को मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है शो के अंदर ये टर्न एंड ट्विस्ट आए जो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड हों। राशि और जिगर की जोड़ी लव स्टोरी देखने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं, तो डेफिनेटली सीज़न 3 के अंदर ये भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, तभी ऑडियंस से कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो टीआरपी अच्छी आएगी और ऑडियंस काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे पाएगी। अभी देखते हैं कि मेकर्स क्या कुछ प्लानिंग करते हैं इस जोड़ी को लेकर और इस शो की स्टोरी को लेकर। हालांकि डिमांड तो लगातार चल रही है शो के सीजन 3 को लेकर, अभी देखना यह है कि मेकर्स क्या प्लानिंग करने वाली। रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस का शो रहा है, तो रश्मि टेलीफिल्म्स में इस तरह से शो का सीज़न 2 जिस तरह से क्रिएट किया गया था, कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर लाने की कोशिश ज़रूर करी लेकिन वो बात नज़र नहीं आई लोगों को। हालांकि शो को 10 एंड ट्विस्ट के साथ में 2 साल तक तो लाया गया लेकिन फिर भी वो सीज़न 1 के मुकाबले कुछ खास कमाल कर ही नहीं पाया। सीज़न 3 को लेकर एक्साइटमेंट है, सीज़न 1 की स्टारकास्ट होनी चाहिए, सीज़न 3 के अंदर वही चेहरे होने चाहिए जो कि आपको सीज़न 1 में देखने को मिले थे, और कहानी कहीं ना कहीं वैसी ही मेकर्स यहाँ पर अगर क्रिएट करें तो वाकई में इंटरेस्टिंग हो जाएगा शो। कमेंट करके आप लोग एक्साइटमेंट बताना, कितना एक्साइटेड है शो के सीज़न 3 को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।